एसडीओ ने बेलवा घाट विधि व्यवस्था का लिया जायजा। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर होने वाले जलबोझी को लेकर एसडीओ कुमार रविंद्र, बीडीओ सह सीओ सौरव कुमार, पताही थाना अध्यक्ष अनुज कुमार, पचपकड़ी ओपी थाना अध्यक्ष अंजन कुमार के ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बेलवा घाट का विधि व्यवस्था का जायजा लिया। एसडीओ ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बेलवा घाट पर जलबोझी करने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को जलबोझी करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराया गया है। वहां सफाई, रोशनी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी किया गया है। एसडीओ ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यहां भारी संख्या में कांवड़ियों एवं श्रद्धालु पहुँचकर जलबोझी करते हैं, जिससे बागमती एवं लाल बकेया नदी के संगम गेलवा घाट पर कांवड़िया तथा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। मौके पर पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र, बीडीओ सह सीओ सौरव कुमार, थाना अध्यक्ष अनुज कुमार, पचपकड़ी ओपी थाना अध्यक्ष अंजन कुमार इत्यादि। किस प्रकार से यहाँ विधि व्यवस्था को तैयारी किया जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देवापुर मनंत चतुर्दशी का कांवड़िया मेला लगा हुआ है। यहाँ पे 24/7 पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। घाट पे SDRF की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है और सारे लोग अपना अपने अपने ड्यूटी के हिसाब से लगे हुए हैं। सबकी बारी बारी से ड्यूटी लगाई गई है और कांवड़ियों के सुख सुविधा का भी पूरा इंतजाम किया गया है, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चिकित्सा शिविर भी बनाए गए हैं, जहाँ पर चिकित्सक और दवाएँ उपलब्ध हैं। अगर किसी कांवड़िया की कोई तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस भी है, उसको लेकर हम लोग सजग हैं और दिन रात एक करके हम लोग इस मेले को सफल बनाएंगे और पूरी तरीके से सफल। जो मेला है कई दिन का है? मेला 8 तक चलेगा। 8 को इसकी समाप्ति होनी है। आज से मेला शुरू है, कल इसका उद्घाटन होना है और उसके पश्चात मतलब 8 के शाम तक उसका समापन होगा। तो यह जो तैयारी है अंतिम चरण पे है? तैयारी हो चुकी है, लगभग तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत तैयारियां हैं जो अभी कर ली जाएंगी 1-2 घंटे में। बाकी सारे लोग हम मुस्तैद हैं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।